है लगभग 9 बजने में 5-7 मिनट बाकी हैं और अभी अपन बन चुके हैं बंटी शंटी जाने के लिए सीधा सीधा से गोल्डन टेम्पल। आप लोगों को लेकर चलते हैं गोल्डन टेम्पल। वैसे हमें अंदाजा नहीं है अभी क्या माहौल होगा बाहर का, क्योंकि वैसे भी संडे की वजह से ना मार्केट बिल्कुल डाउन पड़ी है कि तो मामला सुमड़ी का है। लेकिन हमारा इरादा बना है कि अभी जाते हैं, होकर के आते हैं, रात का माहौल दिखाते हैं और अगर मौका मिलेगा तो कल सुबह का भी कुछ ना कुछ हम लोग वहां पर जाकर शूट कर लेंगे। फिलहाल दोनों के दोनों बन चुके हैं बंटी शंटी। दिव्या जी लग रही है बहुत ही प्यारी सी। तो गाइस ये देख सकते हैं हमारी प्रॉपर्टी रात के टाइम पे ऐसी नजर आती है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं और ये सारे नज़ारे हैं रात के। तो गाइस यहाँ पर हम लोग इस वक्त पहुँच चुके हैं बिल्कुल जस्ट गोल्डन टेम्पल के नज़दीक और कनाडा। और ये मोटी को तो कनाडा जैसी फील आ रही है। नहीं दोस्तों, हम लोग कनाडा में बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग बिल्कुल अपने ही देश में है। और ये जो थोड़ा थोड़ा सा रिफ्लेक्शन अजीब अजीब से आ रहे हैं ना, इनका मैं भी काम तमाम करता हूँ, रुको। तो गाइस हमने पहले से यहाँ पे आराम हो गया है। अब जो लाइट के रिफ्लेक्शन थे वो लगभग अब बहुत कम हो गए और ये देखो लाइट कितनी प्यारी लग रही है बिल्कुल। वाकई में फील तो बिल्कुल फॉरेन जैसा ही आ रहा है। दोस्तों ने बताया भी था मेरे कि भाई हो के आ, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी कूल सी है और धार्मिक स्थल तो धार्मिक स्थल ही होते हैं यार, फिर उनके तो क्या ही बात कहना। एंड बाकी तो मोटी के साथ आया हूँ तो एक अलग ही मज़ा है। और फिलहाल पेट में गैस हो रही क्योंकि बहुत सारा उटपटांग खा लिया है और अब मन कर रहा है कि कुछ ज़्यादा पी लूँ, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक टाइप की, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए। तो फिलहाल नज़ारे देखो आप। तो दोस्तों बिल्कुल एकदम अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो गई है और यहाँ पर एक बेहतरीन हमें हमारा पसंदीदा जो है रेस्टोरेंट मिल गया है हवेली नाम से, जो कि एक बार हमने खाया था हवेली से खाना। मोटो याद करो कब खाया था, जब शायद से प्रिवलिंग गए थे तब। तो यहाँ पर बंदे इंडिया गेट की तरह बिल्कुल सुपरमैन उड़ा रहे हैं और इसे देख के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून सा मिलता है, पुराने बचपन के दिन की यादें ताज़ा होती हैं। फिर तो छोड़ा भैया ने, ये देखा अरे वाह, उनके हाथ में गया। एंड गाइज ये तो बहुत ही बढ़िया फैसला रहा हमारा। टाइम की अगर बात करें 9:20 हो चुका है और हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था, इवन हमने बस ऐसे ही रूम में बैठे बैठे सोचा कि चलो चलते हैं और बढ़िया रहा है मोटू। हाँ। मज़ा आ गया ना, नहीं तो ये तो मिस कर देते फिर हम, कल तो बैठे हमारी ट्रेन है वापसी की। और मोटे लग गई अपने काम में, चाहे कितने भी इसके पास एयरिंग्स हो, लेकिन जहाँ पे ऐसी शॉप दिखती है ज़रूर देखती है अपने, कुछ ना कुछ मिल जाए, इनका तो वैसे काम ही यही है। चलो कर लो, देख लो को समझ में आया तो ये जाते हो। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ कि गोल्डन टेम्पल के जस्ट सामने ये बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, अच्छी खासी। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, जो चाहें वो ले सकते हैं। और यहाँ पर हमें मैकडी भी दिखा है, तो आप चाहें तो वहाँ पर एक मैकडी वाला पुतला भी बैठा है, उसके साथ फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हैं। मोटी आँख हो गई, खोना नहीं है, आसपास ही रहो। और रौनक तो देखते ही बनती है यार एकदम है। और यहाँ पर माँ बच्चे घूम रहे हैं। ए छोटको कहाँ घूम रहे है, बोलो ध्यान से। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से। तो दोस्तों ये है माहौल,
गोल्डन टेंपल के जस्ट बाहर का। और टाइम की अगर बात करूं मैं तो हो रहा है यार, टाइम देखने का बड़ा मसला है इस घड़ी में, 9:45 का टाइम हो रहा है। हम मोटे खड़े हुए हैं रेडी शेडी हैं। हाँ तो भाई 9:45 का टाइम हो गया है और अभी फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं गोल्डन टेम्पल। अभी लेंगे यहाँ से एंट्री और जगह है काफ़ी सुकून भरी, देख सकते हैं आप। एक बार सिनेमैटिक्स देखो फिर बताना कैसे लगे सिनेमैटिक्स। जरूरी जानकारी साझा करनी है मुझे, अभी मैं फिलहाल खड़ा हूँ गोल्डन टेम्पल के बाहर। आई होप आपको बात सही आ रही होगी। तो जरूरी जानकारी है, आपको मेरे सर पे कपड़ा नजर आ रहा होगा, ये सर ढकने वाला। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे एंट्री मारते हैं, कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे एंट्री मारता है रेलवे स्टेशन से बाहर वगैरह थोड़ा सा या गुरुद्वारे के नियर अबाउट, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जबरन आपके सर पे कपड़ा बांध देते हैं। हालांकि हमने बंधवाया, मैं समझ गया था कि जबरन हो रहा है काम, लेकिन मोटी को पसंद आया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मोटी को खुश है मोटी तो ठीक है। तो हमने उनके 50 रुपीज अपने हिसाब से दे दिए। बाकी कोशिश ये करो कि गुरुद्वारे तक आप लोग आ सकते हो तो आ जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको इजीली ये कपड़े जो है मिल जाते हैं। हर दो गुरुद्वारे पे ऐसी होती है, तो यहाँ पर भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि देखो, जिस गुरुद्वारे के बाहर ही आपको ये बॉक्सेस रखे हुए दिख जाएंगे, इसमें से अपना कपड़ा निकाले अपने हिसाब से, सर पे बांधे और अंदर चले जाएँ। ओके, तो ऐसी गलतियाँ ना करें, ऐसी चीज़ों से बचें मेरे हिसाब से, तो बाकी आपकी मर्जी है। हो मंगे बिना कोई कुछ नहीं दिंदा, बिना मंगे रब दे रे, बिना मंगे रब दे रे, बिना मंगे रब दे। मंगे बिना कोई कुछ नहीं दिंदा, बिना मंगे रब दे रे। आसा जी ना रखिया मौला ते, खाली भर दे बेड़े अल्लाह वाले। तो गाइस मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि मैं एक मिनट के लिए भी कैमरा मतलब अपना फोन जो है जेब में रखूं, मन कर रहा है बस ये नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि खुद भी देखता रहूं, शूट करता रहूं और आपको भी दिखाता रहूं। तो बताना गाइस कैसे लग रहे हैं आपको। वैसे ये नाइट के नज़ारे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे मैं और दिव्या कि हम एक बार सुबह भी यहाँ पर आ जाएं अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का भी एक अपना ही मज़ा है। बाकी देखते हैं, मौका लगा तो ठीक है, वैसा मालसी है बहुत बड़े, फिर भी हम ट्राई करेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं और काफ़ी सारे आपने सिनेमैटिक शॉट देखे होंगे। और मैं आपको सच बताऊं, अंदर इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था और जो नज़ारे हैं ना यहाँ के वो इतने ब्यूटीफुल हैं कि मन कर रहा था बस वीडियो शॉट्स लेते ही रहूँ। मैंने इतने सारे शॉट ले लिए, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि और ले लूँ और ले लूँ और ले लूँ, बस जैसे तैसे फिर ये थोड़ा सा मुझे खींच के लाई बाहर, वरना तो लगता है कि सारी मेमोरी ऐसी भर जाती। तो कोशिश करूँगा बेस्ट ब्लॉग आपको दिखा सकूँ और मेहनत तो कर ही रहा हूँ, बाकी बताना आप लोग कैसा लग रहा है आपको। ओके, तो दोस्तों फाइनली 11:40 हो गए। ऑटो नहीं नहीं भैया, ऑटो की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अभी हम लोग फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, बच्चे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। गोल्डन टेम्पल को जो है अभी फिलहाल हम लोगों ने एग्जिट मार दिया है वहाँ से, एंड रात के नज़ारे देख लो यार। मुझसे कुछ दोस्तों ने कहा था कि यहाँ पर नाइट रात में घूमना बहुत अच्छा लगेगा, और वाकई में। और भी जब हम आ रहे थे उस टाइम तो फिर भी मतलब रोशनी थोड़ी ज़्यादा थी, अभी थोड़ी सी कम हो गई है, बट अभी भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, देख रहे हो मज़ेदार।
सो हे गाइस, अभी आ चुके हैं वापस हम लोग अपने रूम पे, अपने होटल पे। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बता दूं आपको, अभी इस वक्त जो हम लोग आए हुए हैं ना, आज है तारीख, अब 7 तारीख लग गई है, 7 मार्च 2022। और ये मौसम बेस्ट माना गया है मेरे हिसाब से, जो मैंने फील करा, क्योंकि अगर हम ज्यादा सर्दियों में आते हैं तो भी वहां ज्यादा देर तक गुरुद्वारे में रुक नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, सर्दी लगती, बहुत सारी चीजें होती। तो अभी ऐसा मौसम था कि हम वहाँ फर्श पे बैठे भी, ठीक है, बहुत देर तक हमने ऐसे डिस्कशन भी कर लिए, तो मतलब एक सुकून वाला मौसम, सुकून भरा मौसम था ये मार्च का फर्स्ट वीक। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मार्च का फर्स्ट वीक लगभग शायद से बेस्ट टाइम हो सकता है यहाँ पे विजिट के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं, अपनी अरेंजमेंट्स कर सकते हैं इस हिसाब से। अब तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे होटल और इधर उधर के सब रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। तो हमने फिलहाल जोमेटो से खाना मंगा लिया, जो कि आ चुका है। क्या क्या मंगाया मोटू? चिकन टिक्का राइस बाउल और राजमा राइस बाउल। तो ये दोनों और ये प्लस ब्राउनी, हमने केक काटा अपने एनिवर्सरी का, तो सब मिलके टोटल कितना खर्च हो गए? पैसों में क्या रखा है? तो गाइस, लगभग लगभग वन नाइट का हमारा डिनर जो है, और क्योंकि हम थोड़ा सा ना चूजी है इन मामलों में, तो हमारा लगभग 500-550 खर्च हुए। बाकी अगर आप लोग टाइम पे खाना खा लोगे आसपास के रेस्टोरेंट से तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। बाकी यार, आप लोगों को ना कोई भी क्वेश्चन हो गोल्डन टेम्पल आने से रिलेटेड, ट्रेन की जानकारी चाहिए, यहाँ पे होटल की जानकारी चाहिए, आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ लेना, चाहे तो इंस्टाग्राम पे आके पूछ लेना या नॉर्मली इस वीडियो में कमेंट कर लेना। जो भी बेस्ट जानकारी होगी मैं आपको दे दूंगा बहुत जल्द, ओके। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी आ रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली से अगर आ रहे हैं तो आप मेरे संपर्क करके आ सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे दूंगा जिसमें आपको बहुत ही कम से कम आपके पैसे लगेंगे और आप पहुंच जाएंगे अमृतसर गोल्डन टेम्पल टूर पे। ओके, बाय बाय।